नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। क्रिकेट खेलने के विवाद में हुए हत्या का खुलासा पटना पुलिस ने कर दिया है। घटना बीते 17 अक्टूबर को बुद्ध कॉलोनी थाना क्षेत्र में युवक को गोली मारी गई थी। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को हत्या में इस्तेमाल किए गए पिस्टल को बरामद कर लिया है। घटना की जानकारी देते हुए सिटी SP सेंट्रल अमरीश राहुल ने बताया कि हत्या के पीछे की मुख्य वजह खेल में विवाद का है। रात के 8:15 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत एक मोहल्ला है मंदिरी, बापू नगर मंदिरी, वहां पर एक लड़के की हत्या कर दी गई है गोली मारकर। तक्षण जैसे ही यह सूचना मिली, पुलिस पहुंची वहां पर और उस लड़के को उठाकर इलाज कराने के लिए PMCH ले गई, बट तब तक लड़के की मृत्यु हो चुकी थी। घटनास्थल पर इंस्पेक्टर साहब और DSP साहब दोनों पहुंचे थे, मैं भी पहुंचा था वहां घटनास्थल पर। और शुरू उस समय उड़ती हुई खबर ये आ रही थी कि एक क्रिकेट के खेल में लेकर लड़ाई हुई है और इसी कारण से यह हत्या हुई है। हम लोगों ने उसे फिर से देखना शुरू किया, CCTV फुटेज देखा तो समझ में आया कि एक स्कूटी है जिसमें 3 लड़के हैं जो वहाँ से घटनास्थल से भागते हुए नज़र आए हैं। उसमें से एक लड़के की पहचान हुई सबसे पहले, जिसका नाम मानस कुमार था, जो कि वहीं का रहने वाला था। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसने सारा का सारा बात बताया। घटना कुछ यूँ है कि जो मृतक है और जो घटना करने वाले लोग हैं सब एक ही क्षेत्र के, एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। सभी एक तरह से आपस में दोस्त ही रहे हैं। 11 तारीख को दुर्गा पूजा, तीसरी चौथी पूजा थी, उसमें ये लोग क्रिकेट खेलने गए थे गांधी मैदान में, जहां पर आपस में ही दोस्तों के बीच में लड़ाई हो गई थी, जिसमें मृतक ने अभियुक्त पक्ष के एक लड़के को 2-3 थप्पड़ मार दिया था। इससे गुस्सा होकर जो अभियुक्त पक्ष है वो 8-10 लड़कों को लेकर मृतक के घर पर आया था और उसको खींचकर उस समय मारपीट भी की गई थी। जब यह मारपीट हो गया था तो फिर दोनों पक्ष से उनके परिजन इकट्ठा हुए थे और माफ़ी भी मंगाई गई थी, और माफ़ी मांग लेने के बाद इन लोगों ने मामले को रफा दफा कर दिया था। पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, लेकिन जो मृतक पक्ष है उसके पिताजी के द्वारा किसी तरीके से, जो ये लोग बता रहे हैं कि एक मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे बेटे को देख लेंगे, तुम्हारे बेटे को देख लेंगे, तुम्हारे बेटे को देख लेंगे। तो अभियुक्त पक्ष की, जो अभियुक्त है एक सौरभ कुमार नाम है, तो इसके माँ बाप जो हैं वो डर गए कि मेरे बेटे को मरवा देगा, तो इन्होंने अपने ही बेटे को कहा कि तुम ही देख लो, इससे पहले कि वो तुम्हें मरवा दे तुम उसको मार दो। सौरभ कुमार ने 2 हथियार का इंतजाम किया, अपने 2 साथी लिए, एक मानस कुमार, एक विवेक कुमार। मानस कुमार के पास कट्टा पहले से उसने खरीद कर रखा हुआ था और विवेक कुमार ने एक पिस्टल पहले से खरीद कर रखा हुआ था। यह इन तीनों दोस्त अपने दोनों दोस्तों को लेकर उस दिन इंतजार कर रहा था घटनास्थल पर, और जैसे ही मृतक विवेक जब वहाँ से बाहर निकला, ये लोग वहाँ पर गए और उसको गोली मार दी। मृतक को 2 गोली लगी थी, एक गोली सौरभ कुमार ने मारी थी और दूसरी गोली जो है वो विवेक कुमार ने मारी थी, सॉरी मानस कुमार ने मारी थी, और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो क्रिकेट को खेलने को लेकर एक जो छोटा सा विवाद था वो इतना बड़ा हो गया, जिसमें एक लड़के की हत्या कर दी गई थी। ये मानस कुमार से जब ये पूछा गया कि तुमने कट्टा कहाँ से ख़रीदा था, तो उसने बताया कि 1-1.5 साल पहले मैंने यह कट्टा ख़रीदा था, मैं कट्टा खरीद कर रखा हुआ था। विवेक कुमार के बारे में बताया, वो बता रहा है कि मैंने भी 1 साल पहले ख़रीदा था। विवेक कुमार गिरफ्तार नहीं हुआ है, मानस ने बताया है कि विवेक के पास 1 साल से कट्टा ख़रीदा था, उसकी कभी किसी से मारपीट हुई थी तो इसीलिए उसने अपने बचाव के लिए कट्टा ख़रीदा था। ये पिस्टल विवेक कुमार वाला है जिसे पहली गोली चली थी, और ये मानस कुमार का कट्टा है जिसे दूसरी गोली चली थी। हाँ, पिस्टल और कट्टा दोनों है।
आदर्श को मारा था, जो सौरभ का कज़न ब्रदर लगता है, जिसने उसके सौरभ को बुलाया था और अपने मामा लोग को बुलाया था, जिससे मारपीट और बढ़ी थी गांधी मैदान में। हाँ, ये लोग दोनों स्टूडेंट हैं, बताते हैं अपने आप को, और ऐसे ही घूमते फिरते हैं, स्टूडेंट हैं बेसिकली। इनका कहना है कि अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई खबर छूट न पाए।